नमस्कार। वंदे वंदे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्गसन कॉलेज से बहुत जुड़ी हुई मेरी शूटिंग की याद भी है। मैंने यहाँ पे एक मूवी शूट की थी रंग रसिया, जिसमें मैंने राजा रवि वर्मा का किरदार किया था, और आज यहाँ पे फिर से मैं आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पुराने इतने ऑडिटोरियम में, जिससे हमारी देश की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। सावरकर जी भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे। आपका पता नहीं कितने लोगों की प्रिंसिपल साहब के सामने पेशी हुई है, और उनको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से हॉस्टल से निकाल दिया गया था और 10 रुपए का फाइन भी दिया था, जो कि सावरकर जी ने कभी भरा नहीं। पर आपको अगर फाइन मिले तो ज़रूर भर देना। हाँ, मैं मराठी बोलने की कोशिश नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप मुझ पर हंसें। आप मेरे जोक पे हंस सकते हैं, पर मेरी मराठी पे हंसाने में यहाँ नहीं आया हूँ। मराठी मुझे तो, जब ये पिक्चर मराठी में डब की गई तो मुझे मराठी में ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मराठी भाषा में एक जोर है, एक भाव है, एक इमोशन है, जो कि किसी और भाषा में नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, लिखते दूसरे तरीके से, पढ़ते दूसरे तरीके से। मैंने कोशिश की थी सीखने की, पर मैं इसमें क्योंकि डायरेक्टर भी था तो मुझे लगा अगर मराठी सीखने में समय लगा दूंगा तो पिक्चर क्या डायरेक्ट करूंगा। और हमारे पिक्चर में कुछ मराठी एक्टर्स भी थे, उनकी मराठी के आगे मुझे अपनी मराठी थोड़ी फीकी लगी, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने ये पिक्चर मराठी में इसलिए डब करने का डिसीजन लिया था कि ये गांव गांव तक पहुंचे। सावरकर जी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, पर महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाने जाते इतने, और वो एक नेशनल फिगर है। तो मुझे लगा ये पिक्चर मैं हिंदी में बनाऊं ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और मराठी में उसको डब करूँ